अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आज का जो कुलियात अदविया का नया चैप्टर है वो है औज़ान अदविया। ठीक है, ये चैप्टर सैदला में भी है, तो ये यानी सेकंड प्रोफ और थर्ड प्रोफ दोनों में ये चैप्टर काम देगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट्स ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके पॉइंट वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, औज़ान अदविया। औज़ान लफ्ज़ बना है वज़न से, यानी वेट। ठीक है, और अदविया यानी दवा, ड्रग्स। तो वेट एंड मेजरमेंट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, दवाओं का नाप तोल। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते हैं कि किन दवाओं को कैसे हम वेट करते हैं, कैसे नापते हैं और क्या उनकी डोजेज रहती हैं, डोजिंग क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी बात हम लोग करेंगे, पहले पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक, और हम लोग एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं पॉइंट वाइज एक एक बातें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि दवाओं के नाप तोल में, उनके वेट एंड मेजरमेंट में बहुत ही होशियारी और एहतियात ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है ये आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि दवा साज या डॉक्टर तबीब उन सब लोगों को दवाओं का नाप तोल आना चाहिए और बेहद होशियारी के साथ और एहतियात के साथ ये काम को अंजाम देना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर दवा की डोज कम किसी मरीज़ को दी जाए, दवा की डोज कम दी जाए तो उस मरीज़ की मर्ज़ में शिफायाबी हासिल नहीं होगी, यानी वो मरीज़ सही नहीं होगा लो डोज में अगर दवा खाता है तो। ठीक है, और अगर इस किसी दवा की डोज को ज़्यादा दे दिया जाए तो उस मरीज़ पर बद असरात ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी साइड इफ़ेक्ट्स, बुरे असर ज़ाहिर हो जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसको इकोनॉमिकली नुकसान होगा, यानी उस साइड इफ़ेक्ट को ट्रीट करने के लिए उसको और भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और भी दवाएँ लेनी पड़ेंगी। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि दवा की कम मिकदार यानी लो डोज मरीज़ को उसके मर्ज से शिफायाब नहीं करेगी, और दवा की ज़्यादा मिकदार इंक्रीज डोज अगर दे दी जाए तो उस पर साइड इफ़ेक्ट कर देगी वो दवा, और फिर मरीज़ उस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और भी पैसे खर्च करता है और उससे उसके सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर असर पड़ेगा। यानी अगर गरीब मरीज़ है तो वो ज़्यादा हाई डोज दवा खाकर फिर बीमार हो गया तो फिर उसे दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दवाओं के नाप तोल। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि जो खुश्क दवाएं हैं, जो खुश्क दवाएं हैं यानी सूखी ड्राई ड्रग्स जो हैं, सूखी दवाओं को हम आम तराजू पर तौलते हैं। ठीक है, आम तराजू कैसा, एक तराजू इस तरीके का होता है, ठीक, ये नॉर्मल तराजू है, आम तराजू पे खुश्क दवाओं को। लेकिन अब मॉडर्न टाइम आ गया है, नया दौर है, तो ये जो तराजू हैं ये हटकर अब इलेक्ट्रॉनिक वाले तराजू आ गए हैं, जिसमें मीटर यहाँ बटन लगे होते हैं और यहाँ पे रीडिंग के लिए एक डिजिटल मीटर लगा होता है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, तो दवाओं का नाप तोल हम खुश्क दवाओं को नॉर्मल तराजू पर भी तोल सकते हैं और या इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर भी। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो आम दवाएं हैं, नॉर्मल जो आम दवाएं हैं उनको आम तराजू पर तौलते हैं, और जो कीमती बहुत महंगी दवाएं हैं जैसे ज़ाफ़रान, आज के दौर में 1,60,000 रुपए किलो है, यानी एक ग्राम की कीमत 160 रुपए है। ठीक है, या फिर और भी जो दवाएं हैं, दीगर दवाएं जो महंगी आती हैं, कीमती हैं, या फिर ऐसी पॉइजनस ड्रग, सम्मी दवाएं, तो उनको तौलने के लिए हम लोग इंतहाई हसास तराजू, अब ये क्या होता है, इंतहाई हसास यानी बहुत सेंसिटिव तराजू होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो चौथे पॉइंट में हम बताते हैं आपको तीन टाइप के तराजू। सबसे पहले एक जो आम तराजू की हमने बात की, ठीक है, जिस पर हम आम दवाओं को तौलते हैं। उसके बाद दौर आया तो फिर डिजिटल तराजू, ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कीमती दवाएं जो हमारे पास है उनको तौलने के लिए एक तराजू आता है,
जो लकड़ी में बंद होता है इस तरीके से, ठीक है, बॉक्स के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं अगर सोनार की दुकान पर गए हूँ जो सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, तो उनके पास एक तराजू होता है जो बॉक्स के अंदर बंद होता है और उसमें अंदर छोटा सा तराजू रखते हैं, तो उसमें यानी कि बाहर से एयर, एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से अंदर ना जा पाए, तो उसका वेट एकदम एग्जैक्ट हो, ठीक है। तो उसमें इवन वो लोग 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम ऐसे करके भी वो वेट कर सकते हैं, इतना उनका सेंसिटिव तराजू होता है। तो उसके अंदर ये ऐसे तराजू रखा रहता है, ठीक है, और लकड़ी का दरवाज़ा इधर होता है, यहाँ से खोलते हैं उसे पीछे की तरफ और दवा को डालकर इसमें रखकर वेट करते हैं, ठीक। तो इसमें कीमती दवाएं और पॉइजनस ड्रग्स, सम्मी दवाएं इसमें तौलते हैं, बाकी आम दवाएं इन दोनों तराजू पर, ठीक। तो चौथे पॉइंट का कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आम दवाओं को आम तराजू पर तौला जाता है और कीमती और पॉइजनस सम्मी दवाओं को इंतहाई हसास तराजू यानी सेंसिटिव तराजू पर तौला जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो लिक्विड दवाएं हैं हमारे पास, जो सयाल दवाएं हैं, लिक्विड सिरप वगैरह जो भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको जब हम तोलते हैं तो पैमाने से तोलते हैं। पैमाना क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का, इस तरीके का एक बर्तन आता है छोटा सा, उसमें बना रहता है 50 ml इस तरीके से और 15 ml ऐसे, यहाँ ज़ीरो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे आप, तो इस तरीके के कई पैमाने आते हैं, ठीक है, 5 ml से लेके 100-200 ml जितने भी आप चाहें। तो जब लिक्विड दवाओं को हम तौलते हैं तो उन्हें पैमाने के ज़रिए तौलते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ दवाएं हम उन्हें ड्रॉप के हिसाब से देते हैं, कतरा कतरा, यानी जैसे हम उन्हें गिन लेते हैं उन ड्रॉप्स को कि इनको कितनी ड्रॉप्स देनी है, तो उस हिसाब से उनको दूसरे बर्तन में, उस छोटे से बर्तन में ड्रॉप्स के हिसाब से दे देते हैं कि इतने ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे अगर 3 डोज देना है, 5-5 ड्रॉप यूज़ कराने हैं, तो 15 ड्रॉप 15 कतरा हम उसमें दे देते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है कि सयाल दवाओं को नापने के लिए हम पैमाने का इस्तेमाल करते हैं या कुछ और दवाओं को कतरा कतरा, बूंद बूंद करके भी हम उन्हें नाप कर मरीजों को देते हैं। अब सिक्स पॉइंट, ठीक है, छठा पॉइंट है, क्या होता है कि जो दवाएं हमारे पास मुंजमिद हैं, सेमी सॉलिड, जैसे माजून, लौक, ये जो दवाएं हैं, इत्रीफल, ठीक है, और खमीरा, ये सारी दवाएं जो हैं, क्या होता है कि उनको हम सीधे तौर पर यानी बराहे रास्त तराजू पर नहीं तोलते। क्या करते हैं हम लोग, जैसे डायरेक्ट, ये एक तराजू है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, तो हम इस पर डायरेक्ट उसे डालकर नहीं तोलते, ठीक, हम उस पर डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, एक डिब्बे में वो दवा पहले डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम उस दवा को तौलते हैं। और एक बात ध्यान में रहे कि जब इस दवा को आपको तौलना हो, ठीक है, जैसे आपको दवा देनी है 500 ग्राम अगर देनी है, ठीक है, 500 ग्राम, तो जब आप इस डिब्बे को रखें यहाँ पर, तो उसमें डिजिटल मीटर में सेट करने के लिए आता है इस डिब्बे का वज़न कितना है, तो उसे हम लोग माइनस कर लेते हैं उस वज़न को, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस डिब्बे का वज़न 50 ग्राम है, ठीक है, तो आपने दवा 450 ग्राम ही मरीज को दी, ठीक। तो क्या होता है कि कभी कभी उस 50 ग्राम की डोज से भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है मरीज़ की सेहत पे, वो ठीक ना हो शायद उस 50 ग्राम में ही, या फिर आपके लिए एक चोरी हो जाएगी कि आपने 50 ग्राम दवा को कम दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं है, आपके पास नॉर्मल तराजू है, ठीक है, ये वाला तराजू है आपके पास, और आपको मुंजमिद या सेमी सॉलिड लेस, माजून, इत्रीफल, ये सारी दवाएं आपको तोलना है, तो पहले एक डिब्बे का नाप इसमें बांध लीजिए, इसे कहते हैं धार बनाना, ठीक है, यानी एक डिब्बा इस पर रख लिया, एक डिब्बा इस पर, फिर उन दवाओं को मेजर कीजिए दोनों को डालकर वज़न के साथ, ठीक है। इसमें आप वेट रख लीजिए इस डिब्बे के साथ, इसमें दवा डाल लीजिए, तो दोनों सेम आएगा जितना आपको दवा देना है, इसमें कोई चोरी नहीं होगी, ठीक। तो सिक्स पॉइंट है कि डायरेक्ट तराजू पर दवाओं को मत तौलें, किसी डिब्बे के हमराह और डिब्बे का वज़न माइनस कर लें, ठीक है, और इससे फ़र्क पड़ता है दवाओं पर भी और आपकी ईमान पर भी। तो अब कुछ एंशियंट टाइम के कुछ वेट मेजरमेंट हैं, वो
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, और पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन। तो अब इसकी बात करते हैं, कुछ एंशियंट टाइम के मैंने यहाँ पर वेट्स मेजरमेंट उनके लिख दिए, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले पे देखिए, फर्स्ट पे एक चावल, चावल का एक दाना आपने देखा होगा, एक चावल, ठीक है, तो उसका वैल्यू है 15 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद आठ चावल, दूसरे नंबर पे आठ चावल वो होते हैं 125 मिलीग्राम, जबकि आठ चावल होते हैं 120 मिलीग्राम, लेकिन एवरेज जो रखते हैं वो 125 मिलीग्राम का रखते हैं, ठीक। फिर तीसरे पे है एक रत्ती, कहते ना कि मैं रत्ती बराबर नहीं दूंगा अपनी चीज़, ये आप लोगों ने सुना होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि मैं नहीं दे रहा हूँ अपना चीज़ जो भी सामान है, तो उसमें लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं रत्ती, ठीक है। तो ये एंशियंट टाइम की पुरानी चीज़ें हैं ये, तो एक रत्ती बराबर 125 मिलीग्राम। एक रत्ती को आप एक आठ चावल भी कह सकते हैं, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद नंबर फोर पे है आठ रत्ती, आठ रत्ती का मतलब एक ग्राम, जब 1000 मिलीग्राम मिलते हैं तो एक ग्राम बनता है, तो आप इसको कह सकते हैं 1000 मिलीग्राम या एक ग्राम या एक माशा, ठीक है। 1000 मिलीग्राम को कहते हैं हम लोग एक माशा या एक ग्राम को, ठीक। उसके बाद फिफ्थ है एक माशा, एक माशा को एक ग्राम या 1000 मिलीग्राम। उसके बाद आधा माशा यानी 500 मिलीग्राम। नंबर सिक्स पे है आधा माशा 500 मिलीग्राम्स। नंबर सेवन हम लोग बात करें 12 माशा कदीम, कदीम का मतलब होता है पुराना, पुराने दौर में, एंशियन टाइम में, ठीक है, यानी पीछे जो दौर आया है 300-400-500 साल पीछे, तो कदीम टाइम में 12 माशा यानी 12 ग्राम को एक तोला कहा जाता था, एक तोला। और एट्थ नंबर पे जो है 10 माशा जदीद, जदीद का मतलब दौरे हाजिर, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो इस टाइम में 10 माशा जदीद को एक तोला कहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कभी गोल्ड वगैरह खरीदने गए होंगे तो जब एक तोला की बात आती है तो 10 ग्राम ही वो देते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में एक तोला का मतलब 10 ग्राम, और जो पास्ट टाइम में जो दौर गुजर चुका है पहले पिछले सालों में, उसमें कदीम ज़माने में अतिब्बा लोग यूज़ करते थे 12 ग्राम एक तोला में, ठीक है। 9 नंबर की बात करते हैं 5 तोला यानी 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम, या इसका दूसरा भी नाम आ गया 5 तोला का एक छटांक कहते हैं, एक छटांक, ठीक। उसके बाद 10 नंबर पे आता है 2 छटांक, 2 छटांक का मतलब 100 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम है तो उसको डबल कर देंगे 100 ग्राम हो जाएगा, या फिर उसे कहते हैं आधा पाव, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे 4 छटांक, 4 छटांक यानी 1 पाव, 2 छटांक आधा पाव होता है तो उसको डबल कर देंगे तो 1 पाव हो गया, 1 पाव यानी 200 ग्राम, ठीक। उसी तरह 8 छटांक 2 पाव यानी 400 ग्राम, और फिर 1 सेर मतलब 800 ग्राम, ठीक है। अब 1 सेर के बाद 1 केजी आता है, 1 किलो आज के दौर में जो प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये सिर्फ नॉलेज बेस पे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट टाइम में क्या क्या वेट और मेजरमेंट किए जाते थे, जो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस लाइफ में आएंगे, जब आप पढ़ लेंगे पूरी तरीके से और जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो जो दवाएं आती हैं उसमें जो डोज होंगे वो आज के दौर में लिखे होंगे, उसमें आपको ये लफ्ज़ नहीं मिलेंगे, एक रत्ती आठ चावल ये सब नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मल ये मिलीग्राम जो मॉडर्न टाइम में आजकल जो चल रहा है वही मिलेगा। तो सिर्फ ये नॉलेज बेसिस पे है, लेकिन ये याद रहना चाहिए आपको, मुफरदात में इसका बहुत इस्तेमाल है, डोजेज में, जब वहाँ हम कुछ दवाओं को पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कि इसका आठ चावल एक रत्ती इतना डोज होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा एक छोटा सा चैप्टर था औज़ानी अदविया, जिसमें हम लोग सिर्फ वज़न और नापतोल के बारे में बात करते हैं, और इसका जो क्वेश्चन भी आता है तो बस औज़ानी अदविया से आप क्या समझते हैं पूरी तहरीर के साथ लिखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर आपको डिटेल में लिखनी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लिंक है वीडियो का वो अपने बैचमेट को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।